हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विराट एंड वेलकम टू माय चैनल विराट वंडरफुल वाइब्स। तो आज मैं एक यूनिक डीआईवाई वीडियो लेके आई हूं। आज हम करेंगे अपनी पुरानी केटल को बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेट। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने एंड में और दो केटल भी डेकोरेट करके दिखाई है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने ली है एक एल्यूमिनियम की केटल और उसको मैंने किया है एक्रिलिक कलर से पेंट। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं और कोई भी रेंडम डिज़ाइन बना सकते हैं। और फिर मैंने किया है यहाँ पे छोटे डायमंड शेप के मिरर का यूज़। मैंने यहाँ पे अपनी डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल रखा है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी आप इसे अच्छे से बना पाओगे। और उसके बाद मैंने लिए है ये कुछ फेक मिरर्स। वैसे मेरे पास कोई क्ले टूल्स या स्पेशल डोटिंग टूल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास सब बेसिक चीज़ें ही है और मुझे जो भी कंफर्टेबल लगता है मैं उसी से ही अपनी डिज़ाइन करती हूँ। तो ये हो गई है हमारी केटल पेंट करके बिल्कुल रेडी। आप इसे ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एनहांस किया है। इसके बाद हम लोग कुछ पार्ट्स पहले रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये प्लास्टिक का पुराना केन, जो इसमें से मैंने प्लांटर बनाया था। उसमें से हम कप की प्लेट बनाने के लिए एक सर्कल कट कर लेंगे। अब हमें चाहिए कुछ बेसिक चीज़ें। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक केन में से कट कर ली है प्लेट और ये सर्फ एक्सेल का जो ढक्कन होता है उसमें से बनाएंगे हम कप। आप चाहे तो बच्चों के टॉयज़ का भी कप और सॉसर का यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने लिया है ये एक वायर और उसके बाद हमने लिया है ये वाइट एमसिल। और अब हम पहले रेडी करेंगे एमसिल का एक बटन जैसा शेप। तो उसमें से मैंने एमसिल के दोनों पार्ट को मिक्स करके ये एक छोटा सा राउंड शेप बनाया है। हम इसमें से बनाएंगे बड़े से बटन जैसा। तो अब हम कर लेंगे उसमें दो होल। और जब तक ये सूखता है तब तक हम रेडी कर लेंगे अपना कप। तो मैंने यहाँ पे दो कप का हैंडल बनाने के लिए दो मार्क किए हैं, वहाँ पे करेंगे हम दो होल। और फिर मैंने लिया है ये छोटा सा वायर। अब हम इसमें से बनाएंगे हैंडल का शेप और जो वायर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने अंदर की साइड बेंड कर दिया है। और अब हम वापस एमसिल को मिक्स करके हैंडल को अच्छे से शेप देंगे। और अंदर की तरफ भी थोड़ी एमसिल एक्स्ट्रा वायर के ऊपर लगा के हम उसको भी सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद हमारा कप कुछ इस तरह दिखेगा। और अब हम करेंगे कप और प्लेट की बेस के मिडल में एक बड़ा सा होल। इस DIY में आपको कुछ ज़्यादा महंगी या ऐसे ना मिलने वाली चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सभी चीज़ें बेसिक आपके घर में ही मिल जाएगी और ये इतना यूनिक बनेगा कि आपको ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद हमारा बटन भी सूख के रेडी हो गया है और ये बहुत ही मजबूत बनेगा। अब हमने जो वायर लिया है वो हम इसमें से पास करके यूटर्न लेके दूसरे होल में से वापस पास करेंगे। और आपको चाय जितनी लंबी रखनी है वायर उससे थोड़ा सा लंबा रख के आपको उसे कट कर लेना है। अब हम इन दोनों वायर को ट्विस्ट करके एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें इस वायर को केटल के अंदर से पास करके उसके मुंह से बाहर निकालना है कि जैसे उसका बटन है वो केटल के अंदर रहे।
तो वो वायर अंदर से बाहर डालने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंगल वायर को पहले बाहर से अंदर डाला है और उसके साथ हमारा वायर है उसको ट्विस्ट करके उसके साथ अच्छे से बांध दिया है और फिर मैंने उसको पुल करके उसे बाहर खींच लिया है। और हमने यहाँ पे जो एमसील का बटन बनाया था वो केटल के अंदर के मुंह से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो केटल के अंदर अटक जाए। और अब हमने जो हमारे कप और प्लेट के बेस में जो होल बनाए थे उसमें से हम अपना ये वायर पास आउट करेंगे। अब आपको चाय की जितनी भी लेंथ चाहिए उतना वायर आप सेट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नीचे से आपको कट कर देना है। और फिर मैंने जो एक्स्ट्रा वायर था उसको प्लेट के नीचे बेंड कर दिया है। और अब हम रेडी करेंगे हमारी प्लेट, तो उसके लिए मैंने वापस ली है एमसील और यहाँ पे मैंने ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए पहले फेविबॉन्ड लगा दिया है और उसके बाद हम लोग ये पूरी प्लेट को कवर करेंगे एमसील से ताकि वो हमारा वायर भी कवर हो जाए। यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्मूथ सरफेस के लिए पानी का यूज़ किया है। अब हम सॉसर को देंगे उसका परफेक्ट शेप। तो ये रेडी हो गई हमारी प्लेट। अब हम कर देंगे उसे कम्प्लीटली एक्रेलिक कलर से पेंट। तो ये रेडी है हमारा कप और सॉसर। आएंगे हमारा लास्ट पार्ट, हमारी चाय। तो वापस से मैंने एमसील को मिक्स कर लिया है और हम उसे देंगे चाय का शेप। आप यहाँ पे क्ले का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरे पास इनफ क्ले नहीं थी इसलिए मैंने पूरे वीडियो में एमसील का यूज़ किया है, लेकिन दोनों का रिज़ल्ट तो सेम ही है। और इसको अच्छे से शेप देने के बाद सूखने के बाद हम उसे भी कर लेंगे पेंट। मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर पे थोड़ा सा वाइट मिक्स कर करके पूरा चाय का कलर बना दिया है। और ये हो गई है हमारी केटल रेडी। मैंने सभी जगह पे दो कोट वर्निश का भी अप्लाई किया है। एक्चुअली ऐसी चाय निकलती हुई केटल मैंने 2 साल पहले बनाई थी लेकिन तब मेरा YouTube चैनल नहीं था तो मैंने कुछ वीडियो उसका बनाया नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाने के लिए ये केटल वापस से बनाई है। और इसको मैंने लगाया है मेरे डाइनिंग और किचन की जो कॉमन वॉल है उसके ऊपर। और ये हुक मैंने मंगाया था Amazon से। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही यूनिक DIY आइडियाज़ पसंद है तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये है वो दूसरी केटल जो मैंने 2 साल पहले अपने घर के डेकोरेशन के लिए बनाई थी। ये केटल मेरे नानी माँ ने मुझे दी थी और ये है पूरी ब्रास की। और मेरे पास एक बहुत पुरानी और एक एल्यूमिनियम की केटल पड़ी थी जिससे मैंने बनाया था ये पूरा चाय का ठेला। उस केटल को मैंने पेंट करके बहुत ही सिंपल रखा है और उसे एज इट इज़ ही रखा है। और ये लारी मैंने मंगाई थी Amazon से, उसके कलर में थोड़े से मॉडिफिकेशन किए हैं मैंने। और ये कप पड़े थे मेरे घर में ऐसे ही, तो उसको मैंने 3D आउटलाइनर से अच्छे से पेंट कर दिए है। और ये एक सर्विंग ट्रे थी जो टूट गई थी तो उसमें मैंने वार्म वेलकम विद चाय का कोट लग दिया है। और इन सब को मैंने डेकोरेट किया है अपने हॉल के TV यूनिट में।
और ये कुछ दिख रहे हैं इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे सारे केटल डेकोरेशन। आजकल केटल डेकोरेशन बहुत ही ट्रेंड में है, तो आपको हमारी कौन सी केटल पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।